छठी चौपाई। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात भगवान शंकर के पुत्र राजा केसरी को आनंद प्रदान करने वाले एवं अपने तेज के प्रताप से सकल जगत में जो वंदनीय है। इस चौपाई का विशेष अर्थ, हनुमान जी को भगवान शिव का अंश माना जाता है। आपको शायद ही पता होगा कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। समय जब समुद्र मंथन से निकले अमृत को देवों और दानवों के बीच बांटने का था, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। इस स्वरूप को देख भगवान शिव उनमें मोहित हुए। फल स्वरूप उनके स्खलित हुए बीज को ऋषि मुनियों ने आरक्षित किया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से कपिराज की पत्नी अंजना देवी के कर्ण मार्ग से प्रवाहित किया और समय के चलते स्वयं शिव जी अंजना देवी के गर्भ से अवतरित हुए। इस कथा के प्रमाण शास्त्रों और पुराणों में भी उल्लेखित है। आज के समय में टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति से गर्भ धारण करवाया जाता है। इससे ये अनुमान कर सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनि भी इन वैज्ञानिक पद्धतियों के श्रेष्ठ ज्ञाता थे। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान शंकर के पुत्र या स्वयं शिव जी अवतरित होने से शंकर सुवन राजा केसरी के यहाँ जन्म धारण करने से केसरी को आनंद प्राप्त हुआ उससे केसरी नंदन, और जिसमें स्वयं शिव जी का तेज हो उसकी प्रतिभा तीनों लोक में छाए, उसमें कोई नई बात नहीं है।